टेट नन टेट, पुराना शिक्षक नया शिक्षक, शिक्षा मित्र शिक्षा शत्रु, विभिन्न तरह के इन सबसे निकलना होगा। और इन सबसे निकल करके हमें एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही आदेश के खिलाफ लड़ना होगा। 2003 से अब तक जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उसमें से आधे से अधिक शिक्षकों का उम्र 45 से 50 वर्ष हो गया है। उनके शिष्य डीएलएड बीएड सीटीटी उत्तीर्ण करके परीक्षा में बैठेंगे। उनके साथ शिक्षकों को खुली प्रतियोगिता में धकेलना मानवीय गरिमा के विपरीत है। नया संवर्ग लाने से पहले सरकार को इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाना चाहिए था। सरकार ने इसे आनन फानन में लागू कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 पर शिक्षकों की आपत्ति का क्या कारण है, इससे समझने की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में बिहार सरकार के इस तर्क को मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया था कि पुराना संवर्ग मरणशील संवर्ग है। अब बिहार राज्य के स्कूलों में यही अस्थायी शिक्षक हैं। सरकार आर्थिक स्थिति के अनुसार इन शिक्षकों का आर्थिक उन्नयन करेगी, भविष्य में इसी तरह के शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सुझाव दिया था कि सरकार टेट या अन्य कोई तरीके से शिक्षकों को बेहतर वेतन दे। सरकार की नई नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय का उल्लंघन है। उक्त आदेश के अनुसार यदि सरकार कोई नई नियमावली लाती है तो पुराने शिक्षकों को इसमें समायोजित करना था, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तीसरा है कि पुरानी नियमावली भी प्रभावी है, इसलिए उस नियमावली में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका पालन कैसे होगा, जबकि इस कैडर को भी मरणशील घोषित किया जा रहा है। इस संवर्ग के लिए कौन सा सीट रिजर्व रखेगी सरकार, यह सोचने वाली बात है। चौथा है कि सरकार का ऐसा निर्णय जिससे बहुत बड़ा वर्ग यानी कि 4 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको लागू करने से पहले इसके ड्राफ्ट नियमावली को कम से कम 1 महीने तक पब्लिक डोमेन में रखना था, प्राप्त सुझावों पर समीक्षा के पश्चात ही इसे लागू करना था। सरकार ने इसे आनन फानन में लागू कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली इसी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा स्थगित किया गया है। पांचवा है कि 2003 से अब तक जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उसमें से आधे से अधिक शिक्षकों का उम्र 45 से 50 वर्ष हो गया है। उनके शिष्य डीएलएड बीएड सीटीटी उत्तीर्ण करके परीक्षा में बैठेंगे। उनके साथ शिक्षकों को खुली प्रतियोगिता में धकेलना मानवीय गरिमा के विपरीत है। 8 से 18 वर्ष के अनुभव को दरकिनार करना माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन है। छठा है कि 6 से 6.5 घंटे विद्यालय में अध्यापन, उनके पश्चात अगले दिन के शिक्षण योजना पर मंथन में 1 घंटे का समय, मध्याह्न भोजन, नया नामांकन के साथ प्रदत्त विभागीय दायित्व का निर्वहन तथा जाति गणना जैसे कार्य करने के बाद वैसे नए अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में शामिल कराना, जो पूर्णतः परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, यह कहाँ से न्यायसंगत है। यह सार की स्वेच्छाचारिता और मनमानेपन को दर्शाता है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर आदेश निर्गत करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि सातवां है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय विद्यालय अध्यापक का कोई संवर्ग ही नहीं था, निजी शिक्षा संविदा नहीं बल्कि पंचायती राज अधीन पूर्णतः अस्थायी शिक्षक के रूप में सरकार के द्वारा ही मान है, इसलिए कोई नया संवर्ग लाने से पहले सरकार को इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाना चाहिए था। सरकार के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 34,540 शिक्षक की नियुक्ति बिना किसी प्रत्यक्षता परीक्षा के आधार पर की गई थी। इनसे दक्षता परीक्षा भी नहीं ली गई थी, जबकि 2012 से पहले के शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण और उसके बाद नियुक्त शिक्षक बिहार टीटी जैसे परीक्षा से चयनित हुए हैं, इसलिए अयोग्य ठहराकर नियुक्त शिक्षकों को राजकर्मी के लिए परीक्षा में शामिल कराना तर्कहीन तथा मानवीय मूल्यों के प्रतिकूल है। विभिन्न वर्षों में अलग अलग प्रक्रियाओं से नियुक्त सभी शिक्षक योग्य हैं। नौवां है कि नई नियमावली के प्रभावी होने के बाद पुरानी नियमावली से सिर्फ नियुक्ति पर ही रोक है, तो फिर पुरानी नियमावली में प्रावधानित ऐच्छिक स्थानांतरण, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर कोई रोक भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार वर्तमान में रिक्त सभी पदों को समाप्त कर विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति करेगी, तो फिर पुराने शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रोन्नति किस पद पर होगा, ये सोचने वाली सवाल है। इस तरह सरकार को नई नियमावली के तहत भी नियुक्ति करने में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, अगर माननीय न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान ले तो। दसवां है कि 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त शिक्षकों को गैर सरकारी शिक्षक कहा था। 18 वर्षों के कार्यकाल में
8 बार शपथ ले चुके माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे अज्ञानता भरी बातें कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में सम्मिलित पंचायती राज एवं 12वीं अनुसूची में शामिल नगर निकाय के अधीन नियुक्त शिक्षकों को गैर सरकारी शिक्षक कहना शिक्षक चरित्र नहीं है तो और क्या है? क्या पंचायती राज गैर सरकारी निकाय है? ऐसे परिस्थिति में सरकार को कार्यरत सभी शिक्षक को नए संवर्ग में समायोजित करना होगा ताकि नई नियमावली में भी कोई संवैधानिक बाधा नहीं आए। याद रखें, शिक्षक आंदोलन के इतिहास में यह आंदोलन युगांतकारी आंदोलन साबित होगा। इसकी सफलता संविधान तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापित करेगी तथा इसकी विफलता हमारे भविष्य के लिए भयानक अभिशाप साबित होगा। इस परिस्थिति में क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं निर्णायक आंदोलन के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप शपथ लेना होगा, आपको परिणाम प्राप्ति तक आंदोलन में डटे रहना होगा जिसकी रूपरेखा संघ निर्धारित करेगी। आपका विचार क्या है? कृपया अपना मंतव्य देकर जिंदा होने का प्रमाण स्वयं पेश करें। आपकी चुप्पी संघ के आंदोलनात्मक निर्णय के मार्ग की बाधा बनेगी। हम लोग आपस में जो लड़ाई ठान चुके हैं, टेट नॉन टेट, पुराना शिक्षक नया शिक्षक, शिक्षा मित्र शिक्षा शत्रु, विभिन्न तरह का, इन सबसे निकलना होगा और इन सबसे निकल करके हमें एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही आदेश के खिलाफ लड़ना होगा। अन्यथा की स्थिति में जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं और हम लोग पर एक जो बुरा ख्वाब है उस रूप में हम लोग पर भविष्य में थोपने की तैयारी हो रही है, तो हम सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।